तो हेलो गाइस, आज अपन मारने वाले एक्वा वॉरियर को और देखना मेरे साथ क्या बुरा होगा। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्वालिश्क है उसी का इवॉल्व वर्जन एक्वा वॉरियर होगा। और वाटर टाइप है ये वाला जो एमिकन है, और इसके लिए बिजली वाला सबसे बेहतर रहेगा। बल्कि टोकुजा इतना पावरफुल नहीं है, तो टोकुजा अगर जब जैपी आएगा तब जैपी से लड़ाने का ट्राई करेंगे, देखेंगे कि कितना भारी इसको डैमेज लग रहा है। क्योंकि मैंने टोकुजा को स्विमेंडर और एक्वालिस्ट से लड़ाया था तो बहुत अच्छा डैमेज दे रहा था वो। एक्वायर बहुत खतरनाक है भाई, उसको वो नहीं मार पाएगा। और तुम लोग अगर ध्यान दियोगे तो इसका जो एरो है उसके पीछे साइड का थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है, मतलब ये उसका भी इवॉल्व है, उससे समझ आता है ऐसा। मतलब जैसे नॉर्मल इवॉल्व वाले रहते हैं तो उसके एरो में ऐसा कुछ बीच बीच में डैश जैसा होता है, और ये इवॉल्व का भी इवॉल्व है इसलिए इसमें ऐसा डैश है। एक्वा वॉरियर में भी देखना तुम लोग, देखो ये जैसे नॉर्मल इसका दिखा रहा है ना, वैसे इसका देखो थोड़ा सा और पीछे साइड ज़्यादा है। दिखा, दोनों में देखो फर्क है, पीछे में विस्पार्ड है और यहाँ पे ये है, उससे मैं तुम लोग को समझाना चाह रहा हूँ। ये देखो, देखे इसका थोड़ा ज़्यादा है पीछे का पुछी टाइप सा। तो इससे पता चल रहा है कि ये इवॉल्व का भी इवॉल्व है, और एक्वालिश का भी नहीं पता वो किसका इवॉल्व है। मुझे ऐसा डाउट होता है कि वो स्विमेंडर का है, क्योंकि स्विमेंडर और इसके टैग काफ़ी सिमिलर है। बल्कि हो सकता है वो किसी और का हो। और यहाँ पे मैंने गलती कर दिया यार, विस्पार्ट मतलब अपने पीछे लगा दिया। अब तुम लोग मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है? अभी देख लियो ना कि मैं मार खा रहा हूँ, तो तुम लोग बताना क्या मैं बच पाऊँगा कि नहीं। अगर नहीं बचा तो मेरे को वापस यहाँ से आके फिर से मेरे को इसको ढूंढना पड़ेगा। एक तो बहुत मुश्किल से मिला था एक्वा वॉरियर, बार बार उधर से उधर टेलीपोर्ट हो के पता चला कि हाँ है अब, क्योंकि इसके आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। एक तो लोग पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे भाई, मेरे को लगा था मैं अब तो ख़त्म हूँ भाई। एक बार तो मैं मर ही गया हूँ, मेरा बैग ब्रोकन है, दूसरी बार मर गया तो और ब्रोकन हो जाएगा बैग। विस्पार्ट तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा था, एक बार देखो ब्लेज ऑन छोड़ दिया पीछा। छोड़ दे भाई पीछा यार, इसकी स्पीड लगता है उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि इसका जो वो है इससे छोटा वाला का नाम मैं भूल गया हूँ, जो ग्रास वाला ही जो ये इवॉल्व हो के ये बनेगा, विस्पार्ट बनेगा, वो उसका नाम भूल गया, तुम लोग नाम बताना। वो भी साला बहुत तेज पड़ता है पीछे और छोड़ता ही नहीं पीछा। ये भी शायद तक वैसा ही टाइप सा है, पीछा ही नहीं छोड़ रहा है भाई मेरा, देख रहे हो। अब उससे लड़ा भी नहीं साला, मेरे पीछे पड़ा हुआ है। और एक तो ये ना डैमेज बहुत ज़्यादा खाएगा, मतलब देगा, सॉरी खाएगा नहीं देगा मेरे को डैमेज। तो बच गया भाई जैसे तैसे बाल बाल में। चलो अब हील करते हैं। अच्छा मैंने ये वाला लेके आया, नहीं तो बहुत टाइम चले जाता भाई ये लोग का हील करते करते। एक तो ये बहुत पावरफुल है एक्वायर, और ये शायद तक अभी अपन को नहीं मिलेगा एमिडाइज D6 से, इसका और भी बड़ा डाइज आएगा। और ये लोग जान मुश्किल गेम वाले अपडेट को लेट कर रहे हैं कि अपन ये सब चीज़ों को खरीदे, क्योंकि बिना पॉलीमिस्टर क्रिस्टल के कुछ भी नहीं बन सकता जो जो आगे लेवल में अनलॉक हुआ है। तो यार ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि और भी काफ़ी गेम्स आ गए पालवट रिलेटेड जो मशहूर हो रहे, कुछ कुछ जो बैन भी है उसको भी लोग खेल रहे हैं, समझ रहे हो? तो इन लोग को भी यार थोड़ा अपडेट टाइम टू टाइम देना चाहिए यार, क्योंकि अभी इतना कुछ दिखाने को तुम लोग के लिए है नहीं और लोगों को खेलने के लिए भी नहीं है। खाली क्या पागलों जैसे बस एग हैच करेंगे, 3-3 घंटे का गैप बहुत ज़्यादा होता है यार। मैं तो पूरे टाइम करते ही रह रहा हूँ, अब सब तो करेंगे नहीं भाई, मैं तो कंटेंट के लिए कर रहा हूँ। अब मेरा एक्वालिश्क भी हो गया, मतलब 42 एग्स मैंने कर दिए हैच। और मैं देख रहा था कि कैसे भाई इससे लड़ूं, क्योंकि यहाँ पे एक तो इतने सारे ना, फिर वापस ये विस्पार्ट मेरे से पंगा ना ले ले, आधा तो मैं इससे डर रहा था। और डर डर के मारे मैंने ब्लेज ऑन को कर दिया हील, ब्लेज ऑन को नहीं करना था, क्योंकि जो फायर टाइप है ना वो वाटर टाइप के ऊपर भारी नहीं होते, वाटर टाइप उल्टा भारी होते फायर टाइप के ऊपर। तो रॉकनर अच्छा टक्कर दे रहा था इसको, तो रॉकनर से ही लड़ाते हैं। अब नहीं जाना भाई मेरे को विस्पार्ट के पास, इसको 63 का डैमेज दे रहा है, या वो हम लोग को 63 का डैमेज दे रहा है, और 114 का डिफेंस है इसका रॉकनर का।
तो भाई फाइनली मैंने मार दिया है, ठीक है। अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स वॉचिंग गाइस, बाय बाय सभी को।